फिर दौरा पड़ गया तुम्हें। क्यों ना पड़े, सारी जिंदगी तो आप माँ बाप की गुजर गई बेटों की पंचायतें करवाने में। मुंह तो दोनों के नहीं सीधे हुए। ये सब किया धरा तन्नो भाभी का है। ना अब्बा को हौका आता अपनी बेस्ट फ्रेंड की बेटी को बहू बना के लाने का, और ना पीछे पीछे ये सलीका भाभी आती, और ना ही जंगे अजीम होती मेरे दोनों भाइयों के दरमियान। तन्नो भाभी ने तो तुनके रख दिया पूरी फैमिली को, मेरी तो ऐसी कैपेसिटी नहीं है। अरे छोड़ो ना बहू, बिट्टू का तो मीटर हमेशा घूमा रहता है। माँ जी लेकिन आप तो गवाह है ना, मैंने कभी नंद परजाई वाला रिलेशनशिप नहीं रखा इसके साथ। अम्मी क्यों सुबह सुबह ही संटी हो रही हैं, जल्दी से नाश्ता लगाते हैं, बहुत भूख लगी है। जहन्नुम में जाए सारे। हाँ हाँ जहन्नुम में जाए, जाए सब जहन्नुम में। बड़े चलाल में लग रही हैं आज तो पप्पो, खैर तो है? पप्पो कहा ना तो देखना, अम्मा मैं जलता अंगारा रख दूंगी किसी ने इसकी जबान पर। सॉरी सॉरी मैं भूल गया था, इस घर में लफ्ज पप्पो बैन है। बेटे जाके देखो पड़ोस में कोई नए किराएदार आए। पहले जाके चुटकी और लट्टू को तो देखा, लाश उठाने गए थे मेरे गिटार की। अरे किसकी लाश की बात कर रहा बेटा? मेरे अरमानों की लाश। ओहो शादी का कार्ड तो नहीं देख लिया इन्होंने? अरे हाथ पीले करा देना इनके भी। अरे माने भी ना, भरम दिखाती है बस। आजा तुम लोग इधर चुप करके खड़े ना, शोर नहीं करना, मैं भी आती हूँ। मूली वाले ना वलों वाले परोठे बना रही होंगी सासू माँ इस वक्त अपनी सबसे ज्यादा पसंदीदा अनुसलिका के साथ मिलके। भाई तुम भी तो सगी बहू हो उसकी। रहने दे अब्बा जी, मैं तो तब तक ही सगी थी जब तक मैंने अपने पैर पर खुद टोका नहीं मारा था ये सलीका को अपनी देवरानी बना के। अरे भाई देखो मसला तो शज्जी और मुन्ने का है ना, वो तो आज भी तुम्हारी सगी खाला की बेटी है कि नहीं है? और तुम्हारे कहने पे तो हम लेके आए थे उसको शादी करके। बस ये एक बात आपने मेरी मान ली थी, आगे पीछे मेरी आप कोई गाल नहीं मानते है। मुझे क्या पता था कि ससुराल में आके सुबह शाम जहरीली फूके मार मार के पूरे टब्बर को वक वक काट देगी। उसका कसूर नहीं है, कसूर मेरी औलाद का है। देखो घरों में दीवारें बाद में आती हैं, दिल पहले अलग होते हैं। अब देख लो इनको सब रूठे बैठे हुए। चले अब्बा जी जो भी होना था मट्टी पाओ, नहीं होना चाहिए था पर हो गया, क्या करें अब हैं। काश ना होता।